दोस्तों, किसी वीडियो को वायरल करने के लिए आपको उसमें हर एक चीज़ परफेक्ट करनी पड़ेगी। आपका थंबनेल, टाइटल, डिस्क्रिप्शन बॉक्स, टैग्स, आपको हर एक जगह अपना फुल इम्प्लीमेंटेशन देना होगा, तभी आपकी वीडियो जाके वायरल होगी। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि कहीं पर आपने लैक्स छोड़ दिया है और आपकी वीडियो वायरल नहीं हो पाती है, क्योंकि हम दोस्तों मेहनत पूरी करते हैं और आखिरकार लास्ट में हमारी वीडियो वायरल नहीं होती है। आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से आप अपने शॉर्ट्स वीडियो को वायरल कर सकते हैं, वो क्या तरीका है, वो क्या मेजर इसमें आपको स्टेप लेने पड़ेंगे जिससे आपकी वीडियो दोस्तों डालते ही वायरल हो जाएगी। अगर आपने 24 आवर्स का वेट किया दोस्तों, उसमें आपकी वीडियो अच्छी तरह वायरल हो जाएगी, जिससे कि आप जब अगली वीडियो डालेंगे तो उसमें आपका एंगेजमेंट रीच आपकी वीडियो पर अच्छा खासा मिल जाएगा। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि क्या वो तरीका है जिस तरीके से आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स, थंबनेल, टाइटल, टैग्स वगैरह लगाकर वीडियो को वायरल कर सकते हैं। और दोस्तों, सबसे ज़रूरी बात, शॉर्ट्स वीडियो हमारी 60 सेकंड की होती है, आपको कितने सेकंड की वीडियो डालनी पड़ेगी जिससे आपकी वीडियो वायरल होगी, क्योंकि दोस्तों ये भी एक मेजर पॉइंट है कि 60 सेकंड के अंदर आपको कितने सेकंड की वीडियो डालने से शॉर्ट वीडियो वायरल होती है, और जो ऑडियंस है वो कितने सेकंड तक वीडियो देखती है, आप कितने सेकंड तक वीडियो पर ऑडियंस को रोक पाते हैं। चलिए, इस वीडियो में आपको बताता हूँ किस तरह के सारा प्रोसेस आपको करना है। अब दोस्तों बात करते हैं शॉर्ट्स वीडियो की ड्यूरेशन के बारे में। आपको कितने मिनट, कितने सेकंड का शॉर्ट्स वीडियो रखना है जिससे आपकी वीडियो वायरल हो जाए। जैसा कि आप जानते हैं, शॉर्ट वीडियो का ड्यूरेशन 60 सेकंड का होता है, लेकिन दोस्तों आपको शुरुआत में 60 सेकंड की वीडियो नहीं बनानी है, क्योंकि जब ऑडियंस आपके शॉर्ट्स पे आती है तो वो पहले क्या बोलते हैं टाइम लेती है, उसके बाद अगर उसको शॉर्ट अच्छा लगता है ऑडियंस को तो वो लास्ट देख के जाते हैं, नहीं वरना वो बीच में ही निकल जाते हैं। तो दोस्तों आपको ऑडियंस को शुरुआत में रोकना है। शुरुआत में रोकने के लिए दोस्तों क्या करना है, आपको अपनी शॉर्ट्स वीडियो 35 से 40 सेकंड बनानी है। ये बात आपको याद रखनी है, 35 से 40 सेकंड आपकी शॉर्ट वीडियो का ड्यूरेशन होना चाहिए, जिसमें दोस्तों आप ऑडियंस को अपने शॉर्ट्स पे रोक सकते हैं। जैसे धीरे धीरे आपके शॉर्ट्स वायरल होना स्टार्ट कर देंगे तो उसके बाद आप अपने शॉर्ट्स को 40 से 50 सेकंड के ड्यूरेशन में ला सकते हैं, जहां पर ऑडियंस आपका रीच बढ़ाएगी और आपके शॉर्ट्स में व्यूज आना स्टार्ट हो जाएंगे। अब यहाँ बात करते हैं थंबनेल के बारे में। जैसा कि आप सब जानते हैं, थंबनेल शॉर्ट्स वीडियो में नहीं लगता है, लेकिन दोस्तों थंबनेल आपका वीडियो एडिटिंग की तरह काम करता है। वो किस तरह का काम करता है मैं आपको बताता हूँ। अगर आपने वीडियो एडिटिंग अच्छी तरह से कर रखी है, अगर आपने वीडियो एडिटिंग पे टॉप साइड पे एक अच्छा क्लिकबेट डिस्क्रिप्शन, एक अच्छा क्लिकबेट टेक्स्ट लिख रखा है, तो दोस्तों वही आपका थंबनेल की तरह शॉर्ट्स में काम करता है, क्योंकि कोई भी ऑडियंस अगर आपके शॉर्ट्स को स्क्रॉल कर रही है और अगर आपके वीडियो पर टॉप साइड पे अच्छा टेक्स्ट लिखा हुआ है जो कि क्लिकेबल और एक क्लिकबेट होता है, तो ऑडियंस उस पर टैप करके आपकी वीडियो को वॉच जरूर करेगी, आपके शॉर्ट्स को जरूर देखेगी, क्योंकि थंबनेल शॉर्ट्स में होता नहीं है। तो आपको मेक श्योर करना है कि जो आपका शॉर्ट्स का वीडियो एडिटिंग होगा वो काफ़ी ज़्यादा कैची होना चाहिए, और जो उसके टॉप साइड पे आप वॉलपेपर या फोटो या वीडियो शो कर रहे हैं और जो उस पर टेक्स्ट लिखा है वो सारा का सारा आपका क्लिकबेट होना चाहिए। ये आपको हमेशा याद रखना है, क्योंकि थंबनेल से ज़्यादा अच्छा शॉर्ट में आपका टेक्स्ट और जो सामने फ्रंट पे वॉलपेपर फोटो वीडियो दिखती है वो जरूरी होता है। अब उसके बाद बात करते हैं टाइटल के बारे में। टाइटल दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि शॉर्ट वीडियो आप इंडिया के अंदर बना रहे हैं, तो आपको जो शुरुआत का टाइटल रखना है वो हिंदी में रखना है, उसके बाद आप उसी टाइटल को कन्वर्ट करके इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। कैसे लिखना है मैं आपको बता दे रहा हूँ। मान के चलिए कि आपने कोई हिंदी का टाइटल आपने लिखा, उसके बाद बीच में आप स्पेस देने के बाद आप उसी टाइटल को कन्वर्ट करके इंग्लिश में लिख सकते हैं। और दोस्तों एक बात आपको और ध्यान रखनी है, टाइटल इंग्लिश और हिंदी में लिखने के बाद आपको वहाँ पर टैग देना है। टैग आपको कम से कम 3 टैग दे सकते हैं, 2 टैग दे सकते हैं, लेकिन दोस्तों आपको 1 से 2 टैग वहाँ पे देने हैं, जैसे कि शॉर्ट्स हो गया या YT शॉर्ट्स हो गया या वीडियो वगैरह, आप एक छोटा एक दो टैग वहाँ पे दे सकते हैं, जिससे कि आपकी वीडियो में काफ़ी अच्छी इंगेजमेंट बढ़ेगी और आपकी वीडियो वायरल हो जाएगी। अब हम बात करते हैं सबसे ज़रूरी पॉइंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स के बारे में। बहुत से लोग क्या करते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो टाइटल होता है उसी को कॉपी करके यहाँ नीचे मेंशन कर देते हैं, उसके बाद अपना टैग लिखते हैं। तो दोस्तों ये भी एक तरीका, बढ़िया तरीका है, जिसमें आप जो आपने टाइटल लिखा है उसको कॉपी करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दो, उसके बाद स्पेस देने के बाद वहाँ पर आप जो इंपॉर्टेंट टैग होते हैं उनको मेंशन करके वहाँ पर आप सबमिट कर सकते हो। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक और तरीका हो सकता है कि मान के चलिए कि आपने वो टैग कॉपी करके यहाँ पर डाल दिया, नीचे जब आप टैग डालेंगे तो जो टैग आपने टाइटल में डाल रखे हैं, सपोज करिए आपने टाइटल में 2 टैग डाल रखे हैं, तो वही उन दोनों में से 1 टैग आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालना है, बाकी 2 टैग आपके अलग टैग होंगे। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 3 टैग भी डाल सकते हैं, 3 से ज़्यादा भी डाल सकते हैं, लेकिन दोस्तों जो वायरल करने का सही तरीका है उसमें आप अगर 3 से 5 टैग डालते हैं वो भी आपके लिए काफ़ी होगा, जिसमें आपकी वीडियो वायरल हो जाती है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको वीडियो टैग पे ध्यान देना है। बहुत से लोग शॉर्ट्स वीडियो में वीडियो टैग नहीं लगाते हैं, बहुत से लोग लगाते हैं, मेरी बात आप मानो तो वीडियो टैग जरूर लगाओ, बट यहाँ पर आपको ध्यान क्या रखना है, वीडियो टैग आपको स्मॉल कीवर्ड डालना है, क्योंकि शॉर्ट्स वीडियो के अंदर जितना स्मॉल कीवर्ड होगा उतनी आपकी वीडियो वायरल ज़्यादा होती है। तो ये आप मेक श्योर करना कि जो आपका कीवर्ड होगा वो स्मॉल कीवर्ड होना चाहिए।
अब दोस्तों ये सब सारा काम करने के बाद आपकी वीडियो वायरल तो हो जाएगी, लेकिन एक मेजर स्टेप आपको और लेना है, वो है आपका चैनल टैग, जिससे कि दोस्तों YouTube के एल्गोरिथम को मालूम होना चाहिए कि जिस कैटेगरी की आपकी वीडियो है, जिस कैटेगरी का आपका चैनल है, उसी कैटेगरी में आपकी वीडियो बनते जा रही है, जिससे कि YouTube का जो एल्गोरिथम है वो आपकी वीडियो के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा बूस्ट ला सके, आपकी वीडियो के अंदर इंगेजमेंट आए और आपकी वीडियो के अंदर रीच के साथ व्यूज़ आना स्टार्ट हो जाए। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, YT स्टूडियो में जाकर आपको सेटिंग में जाना है, वहाँ पर आपको चैनल पर जाकर चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ स्पेशल कीवर्ड टैग डालने हैं जिस कैटेगरी का आपका चैनल है। अब दोस्तों अगर आप ये सारा स्टेप फॉलो कर लेते हैं तो आपकी वीडियो डैम श्योर वायरल हो जाएगी। सिर्फ आपको हर चीज़ का ध्यान रखना है, हर एक चीज़ तरीके से करनी है और वीडियो एडिट बनाने के बाद आपको पहले वीडियो देखनी है। अगर आपको लगता है ये वीडियो अच्छी है और वीडियो वायरल होगी तो उस वीडियो को आपको अपलोड कर देना है। अब यहाँ पर एक मेजर स्टेप आपको और ध्यान रखना है, वीडियो अपलोड करते समय आपका एक स्पेशल टाइम होना चाहिए। स्पेशल टाइम दोस्तों इसलिए क्योंकि YouTube का एल्गोरिथम ये कहता है अगर आपने कोई भी स्पेशल टाइम पकड़ रखा है तो उसी स्पेशल टाइम में आपकी वीडियो अपलोड होनी चाहिए, जिससे कि YouTube भी आपकी वीडियो को प्रोसीड आपकी वीडियो के अंदर व्यूज़ ला सके। उसके लिए दोस्तों बहुत से लोग क्या करते हैं कि एक दिन में दो शॉट डालते हैं, दो दिन में एक शॉट वीडियो डालते हैं, एक दिन में एक शॉट वीडियो डालते हैं, तो ये सब कुछ डिपेंड आपके ऊपर करता है। लेकिन अगर आप शॉर्ट्स वीडियो डालते हैं तो आपको कम से कम एक शॉर्ट्स वीडियो डेली डालनी पड़ेगी, जिससे कि आपकी वीडियो वायरल हो जाए। और एक स्पेशल टाइम आप अगर मॉर्निंग में डालते हैं, दिन में डालते हैं, रात को डालते हैं, जो भी है आपका एक परफेक्ट टाइम आपको मालूम होना चाहिए, जो कि आपका शेड्यूल होगा, उसी शेड्यूल में आपको डेली कम से कम एक वीडियो डालनी है। अगर आप ये सारा काम कर लेते हैं तो दोस्तों आपकी वीडियो वायरल हो जाएगी। सिर्फ आपको दो तीन हफ्ते फोकस करना है, जैसे आपका दो तीन हफ्ते कवर होगा दोस्तों विद इन मंथ एक महीने के अंदर आपके अच्छे खासे सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे, आपका वॉच टाइम इंक्रीज हो जाएगा और आपकी दोस्तों वीडियो भी वायरल हो जाएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसी टिप्स मैं लाते रहूँगा, तब तक के लिए बाय बाय।